सिंपल, आप यहाँ पे खड़े होंगे, आपके पास एक कार्ड होना चाहिए जिसे बोलते हैं इस्तेमाल कार्ड, और तकरीबन 10 लीरा लेते हैं जो 60 रुपए बनते हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम, इस्तेमाल में हमारा दूसरा दिन, दूसरे दिन में क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे आपको दिखाते हैं। आया मैं मौजूद हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस्तांबुल में। यूरोपियन साइड है एक और एक एशियन साइड है, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूरोपियन साइड पे। जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये है ओर्तुगुई जामे, और ये यहाँ का मेन स्पॉट है। जब भी आप लोगों ने आना हुआ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ से आपको बेहतरीन जो एशियन साइड है तुर्की का वो आपको नज़र आ रहा है, और इस वक्त हम मौजूद हैं यूरोप में। यहाँ से आपको आगे भी लेके जाएंगे, तो स्टे विद अस। मेरे लेफ्ट साइड पे आप जो ब्रिज देख रहे हैं ये है यूरोप एशिया ब्रिज, और इस ब्रिज के उस साइड पे है एशिया, इस साइड पे है यूरोप, लेकिन ये तुर्की के साथ है और ये सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया था ये यूरोप का जो एरिया है, तो ये तुर्की के हिस्से में आ रहा है। यहाँ पे बेहतरीन व्यू है, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे कैफे रेस्टोरेंट्स भी हैं, लोग आते हैं यहाँ पे इंजॉय भी करते हैं, तो ये भी एक ज़रूरी स्पॉट है कि आप लोग यहाँ पर आए। अगर कुछ मिले भी नहीं तो यहाँ पे यार ये किश्तियाँ वगैरह देख ले, लोगों को देख ले, आपका दिल खुश हो जाएगा। बाज़ जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है, बातें करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो जगह थी मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश भी थी और मेरे भाइयों की भी ख्वाहिश थी, मेरे बड़े भाई की और मौलाना शकील साहब की भी ख्वाहिश थी कि इस्तांबुल में हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु का मज़ार है और आपने वहाँ पे लाजमी जाना, तो बातें करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। लेकिन ये वो सहाबी थे जिसे मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब भी मिला है, मदीना आ रहे थे तो उनकी जो ऊननी थी तो वो सबसे पहले हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु की गर्दन के सामने रखी थी, कि जो भी सहाबी जो भी यहाँ से लश्कर में लोग जाएंगे और उन्होंने फतह किया तो उनको बशारत मिलेगी जन्नत की। तो हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु उस वक्त जो थे ज़ईफ़ुल उम्र थे, लेकिन फिर भी वो 90 साल से ज़्यादा की उम्र में वो यहाँ पर आए और वो यहाँ पे आके उसने वो जिहाद में हिस्सा लिया और यहाँ पे वो शहीद हो गए, और इस वक्त उसका मज़ार आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मेरे लिए, मुझे से नाचीज़, मुझे से गुनहगार के लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी की थी आज उनके मज़ार का दीदार हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा और कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन ये वीडियो मेरे दोनों भाइयों के लिए। पीछे जो आप दरख्त देख रहे हैं तो यहाँ पे तुर्कों का ये कहना है कि हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु जब ये जिहाद कर रहे थे तो यहाँ पे एक भरपूर बड़ा तालाब था, तो यहाँ पे उसकी कई रिवायत में है घोड़े हैं, कई रिवायत में ऊँट का कहा हुआ, तो वो यहाँ पे आके रुकते थे, पानी यहाँ से पीते थे, और ये भी कहा है कि ये जो दरख्त है ये भी हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ने खुद ये दरख्त लगाए थे और यहाँ पर लोग आके अभी भी पानी पीते हैं। यहाँ लोकल्स उनका यही बिलीव है कि वो यहाँ पे आके दुआएं करते हैं, वो जो तालाब के किनारे तालाब जो था तो यहाँ पे लोग दुआएं करते हैं, और उनका यही मानना है कि यहाँ पे आके दुआ करते हैं कि दुआ कबूल हो जाती है।
ये जो जगह आप लोगों ने देखी कुस्तुनतुनिया, जब तुर्की से पहले हज़ारों साल पहले उस वक्त की आबादियाँ हैं, लेकिन अभी तक आप देख लें कि जिस तरीके से इसको मेंटेन रखा गया है, तो ये तुर्की गवर्नमेंट को दाद देना चाहिए माशाल्लाह। ये कब्रों का जो हमारे पाकिस्तान में होता है और इनकी कब्रों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो फ़र्क आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इन लोगों ने अपनी कब्रें बनाई हुई है। ये जो मज़ार है तो ये है अहमद अल अंसारी का, जो अयूब अंसारी के भाई थे, तो ये उनका मज़ार है। और यहाँ पे एक और सहाबी का मज़ार है, शुबल हुद्री। वैसे तुर्की तो फूड के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, आपको फ्रेश जूसेस मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हर फ्रूट यहाँ पे दस्तियाब है, आपके सामने ही फ्रेश फ्रूट का जूस आपको बना के देते हैं। तो मैंने भी ऑर्डर दिया है, जूस पीने के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। Hi, my brother, fresh, very good, orange, mango, pineapple. पता है जब हम शोरूम से नई गाड़ी निकालते हैं, दो साल बाद तीन साल बाद उसका हम बेड़ा कर कर देते हैं। ये तकरीबन 150 से लेकर 200 साल पुराना, ये इसी तकसीम स्क्रैम पे माशाल्लाह से रवा दवा है, लोग इसमें बैठते सफ़र करते हैं और वही पुरानी घंटी इसमें बजती है। लेकिन कमाल है इन लोगों का कि जो इनके सकाफत है, जो इनके पुरानी चीज़ें हैं, उनका किस तरह इन लोगों ने ख्याल रखा है। इस वक्त भी बहुत सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये रवाना हो चुका है। सामने एक दूसरा भी आ रहा है, यहाँ पे वो क्लास करेंगे। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा आगे है, यहाँ पे होती है इसकी क्रॉसिंग। और ये क्रॉसिंग देखे ले, एक आपको गलाटा टावर तक लेके जाता है और ये जो है ये तकसीम स्क्वायर तक आपको लेके जाता है। और आप यकीन माने, ये देखिए पुराने तरीके से ये चल रहा है, 150 से लेकर 200 साल पुरानी चीज़ अभी तक उसी हालत में कैसे है। हम पाकिस्तानी कौन से अगर ये सवाल पूछे तो हमारे पास जवाब है नहीं। लेकिन थोड़ा सा आगे मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल, आप यहाँ पे खड़े होंगे, आपके पास एक कार्ड होना चाहिए जिसे बोलते हैं इस्तांबुल कार्ड, और तकरीबन 10 लीरा लेते हैं, जो 60 रुपये बनते हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तानी, नॉट रॉन्ग, 60 से 70 रुपये लगते हैं। और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो ये इस्तिकलाल स्ट्रीट का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि स्पॉट है और एक एडवेंचर आप कर सकते हैं। हमारे लिए एडवेंचर इन लोगों ने नॉर्मल चीज़ है। थोड़ा सा आगे आए, इसमें इन लोगों को आप देख ले, बड़े आराम के साथ लोग बैठे भी हैं, लोग खड़े भी हैं, और इस सवारी से ये लोग मज़े लेते हैं। अब ये रवाना हो गई और इसका ट्रेडिशनल जो इसका ये देखिए घंटी टांग 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 टांग, जो पुराने ज़माने में हारन नहीं होती थी, तो वही घंटी बजा के तो ये लोग चले जाते हैं।